छत्तीसगढ़ में आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव होना है, जिसको लेकर दोनों राष्ट्रीय पार्टियां तैयारी में जुटी है। डिप्टी सीएम पद की जिम्मेदारी मिलने के बाद टीएस सिंहदेव भी लगातार अलग अलग क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, लेकिन इस बीच डिप्टी सीएम सिंहदेव ने बड़ी बात कही है। उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की घोषणा पत्र समिति में मैं अध्यक्ष के तौर पर नहीं रहूंगा। वहीं केदार कश्यप के जय वीरो की जोड़ी वाले बयान पर सिंहदेव ने कहा कि शोले पिक्चर को रिलीज हुए बहुत साल हो गए हैं, अब नई जोड़ी काका बाबा की है जो ताबड़तोड़ हिट होने वाली है। जो रिपोर्ट मिली है वो बहुत श्योर नहीं है कि वेदर कंडीशंस क्या है। वेदर कंडीशंस ठीक रहेंगे तो जाएंगे और नहीं होगा तो रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। वो शोले पिक्चर का तो रिलीज होके वो हो चुका 5 साल पहले, अभी नया पिक्चर है काका बाबा वाला, तो नई पिक्चर अभी हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। देखिए मैंने तो पहले से ही खुले मन से सबके साथ ये बात साझा की थी कि व्यक्तिगत वैचारिक मत के मेरे अंतर हैं तो मैं भाजपा में नहीं जा सकूंगा। अगर कभी विकल्प की बात भी है, और मैंने ये भी कहा था कि ऐसी परिस्थिति आती है तो मैं रिटायर होकर घर बैठना पसंद करूंगा, वो अभी बहुत सारे विकल्प हैं। छत्तीसगढ़ की एक पहचान बनने का क्रम जो इस सरकार में चालू हुआ है उसको हम मेंटेन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अगर कार्यक्रम हो रहा है तो स्वाभाविक है कि छत्तीसगढ़ की पहचान वो प्रदर्शित होनी चाहिए, सामने रहनी चाहिए। पास तो दिग्विजय सिंह के विधानसभा में हुआ था, उनके मुख्यमंत्री काल में। विधानसभा पास नहीं करती तो ये कहाँ से होता। ऐसा श्रेय लेने की बात नहीं है, निर्णय अटल बिहारी जी के समय जरूर हुआ था, लेकिन उसको पास किसने किया था? मध्य प्रदेश की असेंबली में पास किया था तब तो वो बन सका, नहीं तो बनता कैसे? स्वाभाविक है, देखिए जहाँ जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं और वहाँ की अगर बात होगी तो वहाँ की सभ्यता को, वहाँ के लोगों को, वहाँ की पहचान को आपको तरजीह देनी ही चाहिए, इसमें कोई दो बात नहीं है। और छत्तीसगढ़ में ये क्रम विकास के साथ, लोगों की देखभाल के साथ चल रहा है। पार्टी टिकट देगी, देखिए मैंने ये कहा था, मुझे अगर ये लगता है कि मैं अभी भी टीम में कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ तो मैं खेलूँगा, मैं चाहूँगा कि मेरा सिलेक्शन हो। अगर मैं टीम में लग रहा है कि योगदान नहीं दे पा रहा, फील्डिंग करने झुक रहा हूँ बॉल हाथ से निकल जा रही है, कैच नहीं कर पा रहा, रन नहीं बना पा रहा, विकेट नहीं ले पा रहा, तो फिर मुझे टीम में रहना चाहिए क्या? नहीं रहना चाहिए। और अगर मुझे लगता है कि हाँ नहीं कुछ योगदान दे सकता हूँ, फिर अगर सिलेक्शन होता है तो खेलूंगा। वो तो अभी तक के लिए, अभी तो अगले सीरीज के लिए सिलेक्शन होना है, तो उसमें अगर सिलेक्शन होगा तो मैं अध्यक्ष के रूप में तो नहीं रहूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आज समय उतना बचा कि जिस तरह से पिछले बार हम लोगों ने लोगों से मिलकर किया था, समय नहीं है। तो उस हिसाब से तो मैंने कहा भी है कि मैं नहीं रह पाऊंगा, उसमें नहीं रहना चाहूंगा। सदस्य के रूप में, दूसरे रूप में योगदान करना, फीडबैक देना, वो हमेशा उपलब्ध है। उनको तो प्रभार मिल गया मैंने सुना, तो आते रहेंगे, स्वागत है। यहाँ की कमजोरी लग रही होगी आपको, किसी और को प्रभार देना है तो जिसको आपने नहीं दिया उनको आप कम कारगर मान रहे हैं, तो एक तो उनने कंसीड कर दिया। देखिए बृहस्पत सिंह जी वाली बात थी, आपने पूछा मेरे को अच्छा नहीं लगता घुमा फिरा के बात करना, जो बृहस्पत ने किया था वो उचित नहीं था और ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए। वो बात उस समय की थी और मैं आज भी मानता हूँ कि कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। चुनाव तो देखिए मतदाता जिताता हराता है और मतदाता जिस तरह से रिस्पॉन्स देगा उस हिसाब से परिणाम आएंगे और हम लोग उम्मीद करते हैं कि सकारात्मक परिणाम आएंगे और कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी।